हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं पत्ता गोभी की सब्ज़ी आलू मटर के साथ। ये सब्ज़ी बनाने में बहुत ही आसान है और मैं बहुत ही आसान विधि आपको इसकी बताऊंगी बनाने की। तो चलिए शुरू करते हैं। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अभी मैं इसमें मिलाऊंगी 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। सरसों के तेल में सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी बनती है और हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत हैं। इसे हम गर्म होने देंगे जब तक ये स्मोकिंग पॉइंट तक ना पहुँच जाए। गर्म हो चुका है, इसमें अब मैं मिलाऊंगी 2 चुटकी हींग, 1 छोटा चम्मच जीरा, 2 हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच और इसे थोड़ा सौते कर लेंगे यानी थोड़ा सा भून लेंगे। मैं इसमें मिलाऊंगी पत्ता गोभी। पत्ता गोभी को मैंने पहले ही काट के अच्छे से धो दिया था, साफ कर लिया था। इसके बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। पत्ता गोभी मैंने यहाँ पे 1/2 किलो लिया है। मैं इसे मिलाऊँगी 2 मुट्ठी मटर के दाने और 1 मीडियम साइज का आलू जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था, और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और 1/4 चम्मच नमक ताकि ये जो सब्जी है थोड़ा पक जाए, और इसे 3 से 4 मिनट के लिए ढक के पकाऊँगी। मैंने यहाँ पे प्याज का यूज़ नहीं किया है। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, अभी हम इसे खोल के देखेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें मिलाऊंगी 2 मीडियम साइज कटे हुए टमाटर, 1/2 नमक, पहले हमने 1/2 टीस्पून डाल दिया था तो बाकी अभी हम अब ऐड करेंगे, हल्दी 1 छोटा चम्मच, रेड चिल्ली पाउडर, ये आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, नमक और मिर्च। मैंने यहाँ पे 1 छोटा चम्मच लिया क्योंकि मैंने हरी मिर्च पहले ही डाल दी थी, धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक चीज़ का आपको यहाँ ध्यान रखना है, आपको जो सब्ज़ी है ये मीडियम फ्लेम पे ही पकानी है, हाई फ्लेम पे नहीं और ना ही लो पे। और दूसरा ये कि पत्ता गोभी में हमें पानी बिल्कुल नहीं ऐड करना है क्योंकि पत्ता गोभी में खुद में इतना पानी होता है, मॉइस्चर होता है कि ये खुद के पानी में ही पक जाती है। अब मैं इसे जो है कवर कर दूंगी प्लेट से और इसके ऊपर पानी डाल दूंगी थोड़ा सा, ताकि जो ये सब्ज़ी है कढ़ाई में लगे नहीं, जले नहीं। ये एक सिंपल सी ट्रिक है। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, अभी मैं कढ़ाई का जो है कवर हटा के चेक करूंगी कि सब्ज़ी बनी या नहीं। तो पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर चेक करेंगे कि आलू पका या नहीं। अगर नहीं पका होगा तो 1-2 मिनट और पका लेंगे, पर हमारी सब्ज़ी तैयार है, आलू भी पक चुके हैं। अभी मैं गैस का जो फ्लेम है ऑफ़ कर दूंगी और इसे धनिया पत्ता से गार्निश करूंगी। आप इसे चपाती, पूरी या फिर परांठे के साथ आराम से खा सकते हो। ये बनाना बहुत ही आसान है सब्जी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे प्रेस कीजिए और बेल को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिले और आप वीडियोज़